हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना फुल वीक वर्कआउट रूटीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फुल वीक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज फॉर वेट लॉस, 6 रेसिपीज फॉर 6 डेज, क्योंकि 7th डे होता है चीट मील डे। उस दिन जो आपका मन करे आप खा सकते हैं, लेकिन ये ब्रेकफास्ट रेसिपीज न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ आपको काफ़ी टाइम तक फुल फिल करवाएंगी। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट रेसिपी, विच इज़ चॉकलेट ओटमील। मीठा खाने की क्रेविंग हो तो ये रेसिपी आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। इसके लिए मैंने लिए हैं 1/4 कप इंस्टेंट ओट्स और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मैं इसको मॉइस्ट कर लूँगी। अगर आपके पास रोल्ड ओट्स हैं तो 2-3 मिनट तक आप उसको पका लें पानी में। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है कोको पाउडर, हल्का सा इसको मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद डाल देंगे दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे वनीला एसेंस लाइक 2 or 3 ड्रॉप्स। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्रोटीन पाउडर, ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। पिंक सॉल्ट ऐड किया है 1 पिंच, 1 स्पून पीनट बटर और 1 चम्मच डाला है मैंने हनी का। उसके बाद थोड़ा सा दूध डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और भी डाल सकते हैं। कोको पाउडर आपको चॉकलेट का टेस्ट देगा लेकिन उसमें शुगर नहीं होती है। हेल्दी फैट्स के लिए हमने इसमें पीनट बटर तो डाला ही है, साथ ही इसमें डाल रही हूँ वॉलनट्स और आलमंड्स। फ्रूट आप अपनी मर्जी का कोई भी ऐड कर सकते हैं। ओटमील वेट लॉस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये फाइबर की ही एक फॉर्म है जो कि बॉडी में से फैट को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मेरे बेटे की तरह कुछ लोग कहते हैं कि हमें ओट्स खाना पसंद नहीं लेकिन चॉकलेट खाना तो पसंद है। सो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप उदय की तरह आप लोग भी ओट्स खाने लगेंगे। सेकेंड रेसिपी है एग पास्ता। अगर आप एग्स नहीं खाते हैं तो आप टोफू या पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ता को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम काजू का पेस्ट यूज़ करेंगे। इसके लिए आप होल व्हीट या फिर सूजी से बने हुए पास्ते का ही इस्तेमाल करें। तो पानी गर्म किया है, थोड़ा सा डाला है इसमें सॉल्ट और ऑयल डाला है, पास्ता डाल दिया है, इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। थोड़ी देर में चेक करेंगे, अगर पास्ता आराम से कट रहा है तो ये रेडी है और इसका पानी सारा हम ड्रेन कर देंगे। अब एक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें डाला है बारीक कटा हुआ गार्लिक, थोड़ा सा इसको हम सॉटे करेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए अनियंस, अनियन थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएं। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम बारीक कटे हुए टोमेटोज, थोड़ा सा इनको सॉटे करेंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई पालक। पालक का यूज़ मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप इसमें कोई और वेजिटेबल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने डाल दिया इसमें बॉयल किया हुआ पास्ता। हो सके तो वेट लॉस में अपने हर मील में वेजिटेबल्स को जरूर ऐड करें। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं बॉयल किए हुए एग्स, आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, टोफू भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है। 2 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएं, सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें डाल दिया है मैंने काजू का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, और उसके बाद डाल दिया है कटा हुआ धनिया पत्ता। देख सकते हैं कि काजू का पेस्ट ऐड करने से कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है पास्ता में विदाउट एनी क्रीम और मलाई। ज़रूरी नहीं है कि ड्यूरिंग वेट लॉस आपको बहुत बोरिंग खाना ही खाना पड़े। आप हेल्दी फूड आइटम्स को थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ शिफ्ट करके अपने लिए बहुत ही टेस्टी मील्स रेडी कर सकते हैं। बस ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करें। नेक्स्ट रेसिपी है किडनी बीन्स सैलड। तो इसके लिए मैंने राजमा को पहले से बॉईल करके रखा है। अब लिया है मैंने पैन में 1 छोटा चम्मच ऑयल का, और उसके बाद उसमें डाल दिए हैं लंबे लंबे स्लाइसेस में कटे हुए अनियंस और टोमेटोज, थोड़ा सा इनको सॉटे करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम स्वीट कॉर्न्स, राजमा ऐड कर रही हूँ मैं बॉयल किए हुए, साथ ही इसमें ऐड कर दिया है टोफू। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ओरिगैनो यानी कि पिज़्ज़ा सीजनिंग इसमें ऐड की है मैंने, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, ब्लैक पेपर ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, और बस आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है। ऐसी रेसिपीज़ के लिए अगर आप राजमा, वाइट चना, ब्लैक चना को बॉयल करके फ्रीज करके रख लेते हैं तो ब्रेकफास्ट बनाना बहुत ईजी हो जाता है। फोर्थ रेसिपी है मूंग दाल चीला, वेरी टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसके लिए मैंने साबुत मूंग को ओवरनाइट के लिए सोक करके रखा था, तो देख सकते हैं आप कैसे फूल गई है वो। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पालक के कुछ पत्ते, साथ ही ग्रीन चिलीज, जिंजर और गार्लिक। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। दाल के साथ ग्राइंडर जार में मैंने डाल दिया है गार्लिक और जिंजर, और साथ ही डाल दिए हैं ग्रीन चिलीज, पालक के कुछ पत्ते। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त इसमें ज़्यादा पानी ऐड ना करें। चीला बनाने के लिए हमें थोड़ा थिक सा ही बैटर चाहिए, पानी चाहें तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रेटेड गाजर, आप चाहें तो कोई और वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए एक साइड पे हम रख देंगे।
चलिए अब चीला के लिए फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए डाला है एक पैन में थोड़ा सा ऑयल, जीरा डाला है, प्याज डाल दिए हैं कटे हुए। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटोज, थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर आप डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद थोड़ी देर तक इनको ढक के हम पकने देंगे जब तक टमाटो सॉफ्ट ना हो जाएं। टमाटोज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के कुछ पीसेस जिनको कि हमने पतला काट के रखा है। अब यहाँ पे फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए आप आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें तो आपकी फिलिंग रेडी हो गई। अब इसे उतार के चढ़ा लेते हैं तवा चीला बनाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल मैंने तवे पे डाला है और ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अब तवे के ऊपर मूंग दाल का बैटर डालेंगे और इसको हल्के हाथों से स्प्रेड करना शुरू करेंगे। आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लाइटली अगर आप इसको करेंगे तो भी आराम से फैल जाता है। इन सारी की सारी रेसिपीज़ में मैंने प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया है और मूंग दाल का चीला तो इनरिच्ड प्रोटीन है। बस कवर करके इनको पकाते जाएँ और साथ के साथ पलटते जाएँ, दोनों तरफ से इनको अच्छे से सेक लेना है और आपके चीलाज रेडी हो जाएंगे। और ये चीला तो अगर आप फिलिंग के साथ बच्चों के लंच बॉक्स में देते हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। ड्यूरिंग वेट लॉस भी आपका ब्रेकफास्ट हैवी ही होना चाहिए और ये सारे ही ब्रेकफास्ट 300 टू 400 कैलोरीज तक के हैं, जो कि जरूरी भी है। और ये ब्रेकफास्ट आपको काफी लंबे टाइम तक फुलफिल करवाते हैं। और लंच टाइम तक अगर आपको भूख नहीं फील होती है तो जरूरी नहीं है कि आपको रोटी या राइस खाने ही हैं, आप फ्रूट चाट बना के भी खा सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में आप मूंग दाल के 2 या 3 चीला आराम से ले सकते हैं। रेसिपी है चिकपी सैलड। इसके लिए मैं वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। मैंने ली है यहाँ पे गोभी, गाजर और साथ ही मैंने डाल दी है यहाँ पे फ्रेंच बीन्स। सॉल्ट ऐड किया है पानी में, थोड़ा सा इसको बॉईल करेंगे, लाइक 2 or 3 minutes इसको हम ब्लांच करेंगे। उसके बाद हम गैस कर देंगे बंद और उसके बाद इसका पानी सारा ड्रेन कर लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। तड़का रेडी करेंगे इसके लिए पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल, बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, थोड़ा सा इसको सॉटे किया है, उसके बाद डाल दिए हैं इसमें कटे हुए टोमेटोज, साथ ही मैंने ऐड की है लंबी कटी हुई कैप्सिकम और बाकी जो सब्जियां हमने ब्लांच की थी वो भी मैंने साथ ही में इसके डाल दी हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ढककर इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ही इजीली और जल्दी बनने वाली रेसिपीज हैं ये। इसका लिड हमने उतार दिया है तो बस इसमें डाल देंगे व्हाइट चना जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हैं, साथ ही डाल दिया है सॉल्ट, जीरा पाउडर ऐड किया है, साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और लास्ट में डाल देंगे लेमन जूस। तो बस ये ब्रेकफास्ट भी आपका रेडी है। वेजिटेबल्स को कभी भी ज़्यादा कुक ना करें, जितना आप इनको रॉ खाएंगे उतनी ही इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। ओवर कुक कर देने से इनके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट रेसिपी है स्टफ्ड ऑमलेट और स्टफिंग के लिए आप अपनी मर्जी के वेजिटेबल्स चूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे मशरूम्स को, एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और कटे हुए मशरूम्स डाल दिए हैं। अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और बस 2 ही चीज़ें डाल के अब इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाते वक्त आपको इसको कवर नहीं करना है, बस 1-2 मिनट इसको ऐसे ही चलाते रहें, इसका पानी सारा सूख जाएगा और मशरूम आपकी स्टफिंग के लिए रेडी हो जाएगी। ऑमलेट बनाने के लिए तवा मैंने चढ़ा दिया है, अब फटाफट एग्स को बीट कर लेते हैं। 2 अंडे लिए हैं मैंने यहाँ पे और साथ ही इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता ऐड किया है, साथ ही जिंजर डाला है बारीक कटा हुआ, सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर ऐड की है। अब इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। अगर आप एग्स नहीं खाते हैं तो डोंट वरी, मैंने और भी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप इसकी जगह पे कोई और रेसिपी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो बस तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसे स्प्रेड करके बीट किए हुए एग्स डाल दिए हैं, उनको भी तवे के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब इसको कवर करके 1 से 1.5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ा सा हम इसको उठा के देख लेंगे, अगर ये छूट रहा है तवे से तो ऑमलेट रेडी है। तो बस इसकी फिलिंग कर देंगे मशरूम के साथ तो आपका ये ब्रेकफास्ट भी रेडी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।